মাই ডিয়িয়ৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড অল মাই ডিয়াৰ ভিৰ্ছ টুডে ৱী আইংগ টু ডিছকছ দ ম'ষ্ট ভাইটল চেপ্টৰ অফ জগ্ৰফী ক্লাছ নাইন এণ্ড দিছ ইজ এবাউট প'লুশ্যন এক টু আই চি চি চিলেবছ দিছ ইজ দ ফিফটিন্থ চেপ্টৰ এণ্ড দ নেম অফ দেপ্টৰ ইজ টাইপ্স অফ পলিউশ্যন ফট অফ অল হেয়াৰ কেশ্যন এনেইছ ৱাট ইজ দ মিনিং অফ পলিউশ্যন পলিউশ ইজ

जिस चीज़ से पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूटेंट्स है पॉल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट एयर वाटर एंड सॉयल तो ऐसा सब्सटेंस जो एयर वाटर सॉइल को पॉल्यूट कर देता है उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं पॉल्यूटेंट्स ये पॉल्यूटेंट्स दो तरह का होता है नेचुरल भी और मैन मेड भी नेचुरल में हम लोग कह सकते हैं जैसे बॉल्कैनिक इरप्शन है नेचुरल है फॉरेस्ट फायर है नेचुरल है यदि हम लोग एंथ्रोपोजेनिक यानी अगर हम मैनमेड की बात करें तो मैनमेड में आमतौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो उससे जो स्मोक निकलता है जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है जितने भी पार्टिकुलेट मैटर हैं तो ये सारे के सारे चीज़ यानी मैनमेड कॉजेज में आते हैं पॉलिटेंस की बात अगर हम करें तो पॉलीटेंस को अगर हम बांटें तो इसको कई हिस्से बांट सकते हैं खासतौर पर सिक्स पार्ट में जो यहाँ पर तुम्हें दिखाया गया है सिक्स पार्ट है यहाँ पर पहला है प्राइमरी पॉलिटेंट तो प्राइमरी पॉलिटेंट क्या है ऐसा पोलिटेंट जो डायरेक्टली एन्वायरमेंट में इंटर कर जाता है फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनाक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड है ये सब सेकेंडरी पॉलिटेंट वो है जो प्राइमरी पॉलिटेंट के साथ एन्वायरमेंट में प्रेजेंट चीज के साथ रिएक्शन करके एक नया सब्सटेंस बना देता है जैसे नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन ये सब जो एलिमेंट है वो सेकेंडरी पोटेंट्स है बायोडिग्रेब बायोडिग्रेडेबल पोटेंट्स क्या है जो इजीली डिग्रेड हो जाए जैसे घर से निकलने वाला कूड़ा कचरा एग्रीकल्चर से निकलने वाला एग्रीकल्चरल वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल पोटेंट्स क्या है जो इजी बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेड न हो जैसे प्लास्टिक पॉलीथीन ग्लास केमिकल्स एक्सेट्रा नेचुरल पॉलिटेंस क्या है जो नेचर के द्वारा डायरेक्टली आता है जैसे हमने देखा यहाँ पर ये, जैसे आगे बताया कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड मीथेन वगैरह और एंथ्रोपोजेनिक में मैन मेड जो हम लोगों को निकलता है स्मोक की फैक्ट्री से या फिर हमारे अपने एक्टिविटीज़ के कारण हमारे घरों से हर तरह से तो इसके बाद आता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एक्चुअली पॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कई टाइप्स के हैं जैसे एयर पॉल्यूशन है वाटर पॉल्यूशन है सॉयल पॉल्यूशन है तीन तो मेन है इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे इसमें नॉइज़ पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन के अलावा आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है यानी रेडियो रेडिएशन रेडिएशन इज ऑल्सो ए पॉल्यूशन तो हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे पहले पहला सवाल है यहाँ पर कि एयर पॉल्यूशन क्या चीज़ है एयर पॉल्यूशन क्या है एयर पॉल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एयर पोल्यूटेड हो जाता है मतलब एयर में कुछ ऐसा इम्प्यूरिटीज मिल जाता है जो एयर के नेचुरल क्वालिटी को खत्म कर देता है एयर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस इन द आउटडोर एटमोसफेयर ऑफ वन और मोर कॉन्टेमेंट्स जैसे डस्ट फ्यूम गैस मिस्ट ऑडोर स्मोक ये सब चीज यानी एयर की नेचुरल क्वालिटी को खत्म कर देता है ये पॉल्यूटेंट्स कई तरह का होता है जैसे नेचुरल कॉन्टेमिनेट्स जैसे ग्रेन बैक्टीरिया प्रोडक्ट्स नेचुरल है इसके अलावा एरोसोल्स यानी पार्टिकुलेट मैटर जो एयर में आता है जैसे कि डस्ट स्मोक मिस्ट फॉग वगैरह तो इसके बाद आता है वेपर्स नॉक्स गैस जैसे कार्बन मोनॉक्साइड ओजोन सल्फर डाइऑक्साइड ये सब इसका मेन यानी एयर पॉल्यूटेंट्स का एयर पॉल्यूटेंट्स है इसके अलावा इसमें दो चीज़ और है जैसे स्मोग स्मोक क्या है स्मोक इज फॉर्मड बाय केमिकल रिएक्शन किसके साथ केमिकल रिएक्शन बिटवीन पॉल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यानी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यानी गाड़ी से जो धुआं निकलता है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है वो जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट यानी प्रेजेंट जो हमारा पॉल्यूटेंट्स है उसके साथ वो क्या कर देता है रिएक्ट कर जाता है रिएक्ट करके बना देता है स्मोक यानी जो ऑटोमोबाइल वेस्ट है एग्जॉस्ट है वो क्या कर देता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा फॉर्म होता है बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा है इंडस्ट्रीज ज़्यादा है वहाँ प्रश्नों का खतरा रहता है ख़ासतौर पर दिल्ली में काफ़ी देखा जाता है एसी ड्रेन एसी ड्रेन क्या है एसी ड्रेन इज कॉस्ड वन ए पॉल्यूटेंट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड्स कॉम्बाइंड ड्रॉपलेस ऑफ वाटर इन द एयर यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो एटमॉस्फेयर में है और वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो वाटर वेपर है या जो रेन ड्रॉप गिरता है उसके साथ वो तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर एसिड रेन का फॉर्मेशन कर देता है जिसके इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट होता है हमारे वेजिटेशन के ऊपर इसके अलावा ये तौर पर जितने मोनूमेंट्स हैं इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है इसके बाद आता है वाटर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या है जो कोई एक्सटर्नल एजेंट वाटर की नेचुरल क्वालिटी जो 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट एंड जीरो डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा दे या घटा दे तो ऐसे कंडीशन में ये इसको हम कहते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं वाटर पॉल्यूशन यानी एक ऐसा एक्सटर्नल एलिमेंट जो वाटर के फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को ख़त्म कर दे ये कहलाता है वाटर पॉल्यूशन और जिस चीज के कारण ये पॉलिटेड होता है उसको हम कहते हैं वाटर पॉलिटेंट्स वाटर पॉलिटेंट्स तीन तरह का होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और, और फिजिकल चार तरह का तो सबसे तो पहले बायोलॉजिकल तो बायोलॉजिकल एजेंट्स में कौन कौन आता है जैसे वायरस वायरस है बैक्टीरिया है प्रोटोजोआ है एल्गी है फंगस है ऑर्गेनिक केमिकल एजेंट्स क्या है जैसे ऑयल है गैसोलिन है पेस्टिसाइड्स है इनऑर्गेनिक केमिकल एजेंट्स में सॉल्ट एसिड्स नाइट्रेट फॉस्फेट्स है फिजिकल एजेंट्स में सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड हीट तो ये सब मेन वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं इसमें दो तरह का पॉल्यूशन है फ्रेश वाटर पॉल्यूशन जो फ्रेश वाटर पॉल्यूशन में दो तरह की इम्प्यूरिटीज रहती है एक है सस्पेंडेड इंप्योरिटीज़ और दूसरा है डिजोल्व इंप्योटीज सस्पेंडेड में आप खासतौर पर याद रखेंगे बैक्टीरिया वायरस एल्गी प्रोटीज और जो डिजॉल्व है उसमें सॉल्ट कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम ये सब डिजोल्व इंप्योरिटीज़ है मेटल्स तो, में खासतौर पर जो हार्मफुल मेटल्स है उसमें आयरन ऑक्साइड इसके अलावा लीड ये यह सब यहाँ पर हार्मफुल मेटल्स के रूप में वाटर में पाया जाता है जिसको हम लोग यानी काफ़ी फिल्ट्रेशन के बाद ही उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके बाद हम लोग को आना है यहाँ पर दॉइल पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन क्या है सॉइल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द पेनिट्रेशन ऑफ हार्मफुल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स इनटू द सॉयल यानी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स जो सॉइल में चला जाता है वो सॉइल को सॉइल की नेचुरल क्वालिटी को खत्म कर देता है उसे अनफिट कर देता है यूज़ के लिए तो ऐसा कोई चीज़ जो सॉइल को डिटोरिएट कर दे उसकी क्वालिटी को उसको यूज़ के लिए अनफिट कर दे ये प्रोसेस कहलाता है सॉइल पॉल्यूशन अब जिसके पॉलिटेंट्स हैं वो खासतौर पर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में आमतौर पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है इसमें वेस्ट फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रेशंस वेस्ट फूड आइटम्स ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं जो सॉइल को पोल्यूट करता है इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में ख़ासतौर पर मेटल्स और उसका कंपाउंड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स वगैरह आता है रेडियोक्टिव सब्सटेंसेज में जो मेजर सोर्स है इसका वह है न्यूक्लियर वीपन बनने के टाइम में जो पॉल्यूशन हो होता है इसके अलावा न्यूक्लियर प्लांट से जो पॉल्यूशन निकलता है जो तो यूरेनियम का माइनिंग जब होता है उससे निकलता है तो ये सारी चीज़ हमारे सॉइल को पॉल्यूट करते हैं इसके बाद एक है रेडिएशन पॉल्यूशन जिसकी बात में कर रहा था तो रेडिएशन पॉल्यूशन क्या है इट इज़ कॉज्ड बाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज वि इमिट इनविजिबल रेडिएशन रिलीज इन द इन्वॉयरमेंट थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज और यानी यानी रेडिएशन पॉल्यूशन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा होता है जो इनविजिबल रेडिएशन रिलीज करता है हमें दिखाई तो नहीं देता है लेकिन रेडिएशन निकल रहा है तो ऐसा चीज़ होता है जैसे न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाला जो रेडिएशन है टीवी से निकलने वाला जो रेडिएशन है मोबाइल से निकलने वाला जो रेडिएशन है वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है और इसमें खासतौर पर कई तरह के इसमें ज़्यादातर मैनमेड ही है और मैनमेड में जो मेन सोर्स है पॉल्यूशन का वो है माइनिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ प्लूटोनियम एंड थोरियम इसके अलावा प्रोडक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड फ्यूल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एसोटोप्स सो ये इसके मेन सोर्स हैं इसके बाद आता है लास्ट में नॉइज़ पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसे अनवांटेड साउंड नॉइज क्या है एक अनवांटेड साउंड है जो एनवायंस क्रिएट करता है डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है इंसान के दिमाग में वही नॉइज है नॉइज़ पॉल्यूशन इंसान के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है और एनिमल लाइफ के लिए भी ये इंसान के डेली एक्टिविटीज़ में इंटर कर जाता है और लोगों को स्ट्रेस देता है बहुत तरह के फिजियो साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर यानी ये करता है नॉइज पॉल्यूशन खासतौर पर का जो मेन सोर्स है वह है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो नॉइज आता है यानी जो गाड़ी चलती है उसके द्वारा जो नॉइज़ जाता है वो तो ये हमारे या एरोप्लेन के द्वारा जो नॉइज़ जाता है इससे हमारा क्या आता है स्लीप डिस्टर्बेंस आता है स्लीप डिस्टर डिस्टर्बसन आता है और जिससे इंसान का हियरिंग लॉस चला जाता है हार्ट डिजीज होने का खतरा ज़्यादा रहता है और सीवियर केसेस में यहाँ पर कि मेंटल इनस्टेबिलिटी भी हो जाती है लॉड नॉइज के कारण वो जो वाइल्ड लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होता है इससे उसके ऊपर भी एनिमल्स और बर्ड्स के ऊपर भी खतरा मंडराता है इसके अलावा जो नॉइज़ पोल्यूशन का दूसरा पार्ट है वह इंडस्ट्रियल नॉइज इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो आवाज़ है जैसे वो हैवी इंडस्ट्रीज जैसे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन सब में बराबर काम करने वाले लोगों का हियरिंग लॉस हो जाता है वर्कर्स आर एक्सपोज टू हाई नॉइज़ लेवल्स आर सब्जेक्टेड टू हाइपर टेंशन डिप्रेशन एंड पैनिक अटैक का खतरा इनका बढ़ जाता है तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के पारे पार्ट सारे पार्ट्स के जितने भी टाइप्स हैं उनका जो पॉल्यूशन का जो पॉलिटेंट्स है तो वो और उसके जो होने वाले खतरे हैं उसके बारे में हमने देखा तो आई आई थिंक दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू सो आईज आई थिंक इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द एग्जाम पर्पज ऑल्सो सो यू मस्ट फॉलो इट ओके थैंक यू